नमस्कार, आप देख रहे हैं सीडी वेब न्यूज। मैं प्रीति चंद्र एक बार फिर हाजिर हूँ देश प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कोरोना अपडेट से। कोरोना से हाहाकार, बीते 24 घंटे में 3,46,000 मरीज आए सामने, रिकॉर्ड 2600 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 348 लोगों की मौत, 24,331 पॉजिटिव। उत्तराखंड के चमोली के समुना में ग्लेशियर टूटने के बाद ऋषिकेश में हाई अलर्ट घोषित। ग्लेशियर टूटने के बाद जोशीमठ में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन, 291 लोग बचाए गए। महाराष्ट्र में सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, कई जगहों पर ले रही है तलाशी। बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,876 नए मामले मिले, 59 लोगों की हुई मौत। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में लगेगा लॉकडाउन, मुख्य सचिव ने दिया प्रस्ताव। दिल्ली के एम्स में स्वास्थ्य कर्मियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बंद, नए प्रोटोकॉल से रेमडेसिविर भी हटाया। ऑक्सीजन की कमी, दिल्ली में 25, जबलपुर में 5 मरीजों ने तोड़ा दम, 60 की जान जोखिम में। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट सख्त, मास्क से नाक न ढकी हो तो काट दो चलान। इन कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के चलते पंजाब हरियाणा में बंद पड़े टोल प्लाजा के करीब 18,000 कर्मचारियों को 5 माह से नहीं मिल रहा वेतन, पंचकुला में प्रदर्शन जारी। इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्यूशन IHME का दावा, अभी और बढ़ेगा कोरोना का तांडव, मई में रोजाना हो सकते 5,000 लोगों की मौत। राजस्थान के डूंगरपुर में पुलिस थाने में हुई महिला कांस्टेबल की हल्दी, कोविड के चलते नहीं मिली थी छुट्टी। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में 20 मिनट का ही ऑक्सीजन सेस, 350 से ज्यादा मरीज भर्ती। इंदौर के जॉबट में कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया का कोरोना से निधन, 10 दिन से अस्पताल में थी भर्ती। देश प्रदेश से जुड़ी हर खबर पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपके विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।